दुख था। आज स्त्री स्वामी पुत्र परिवार धन मान आदि जो विषय प्राप्त हैं उनके संस्कार हृदय में अंकित हो चुके हैं, इसलिए उनके समाप्त होने पर संस्कारों के कारण उन वस्तुओं का अभाव महान दुखदायी होता है। मैं कैसा था? मेरा पुत्र सुंदर सुडौल और आज्ञाकारी था। मेरी स्त्री कितनी सुशीला थी। मेरे पति से मुझे कितना सुख मिलता था। मेरी बड़ाई जगत भर में छा रही थी। मेरे पास लाखों रुपए थे, परंतु आज मैं क्या से क्या हो गया। मैं सब तरह से दीनहीन हो गया। यद्यपि उसी के समान जगत में लाखों करोड़ों मनुष्य आरंभ से ही इन विषयों से रहित हैं, परंतु वे ऐसे दुखी नहीं हैं। विषय भोगों की बहुलता के समय जिसके सुखों के संस्कार होते हैं उसे ही उनके अभाव की प्रतीति होती है। अभाव की प्रतीति में दुख भरा हुआ है, यही संस्कार दुखता है। इसके सिवा यह बात भी सर्वथा ध्यान में रखनी चाहिए कि संस्कार के सभी विषय सुख सभी अवस्थाओं में दुख से मिश्रित हैं। गुण वृत्तियों के विरोध जन्य दुख। एक मनुष्य को कुछ झूठ बोलने या छल कपट विश्वासघात करने से 10,000 रुपए मिलने की संभावना प्रतीत होती है। उस समय उसकी सात्विक वृत्ति कहती है, पाप करके रुपए नहीं चाहिए, भीख मांगना या मर जाना अच्छा है, परंतु पाप करना उचित नहीं। उधर लोभ मूलक राजसी वृत्ति कहती है, क्या हर्ज है, एक बार तनिक सा झूठ बोलने में आपत्ति ही कौन सी है, जरा से छल कपट या विश्वासघात क्या होगा। एक बार ऐसा करके रुपए कमा कर दारिद्र मिटा लें, भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। जो सात्विकी और राजसी वृत्ति में महान युद्ध मच जाता है। इस झगड़े में चित्त अत्यंत व्याकुल और किन कर्तव्य विमूढ़ हो उठता है। विषाद और उद्विग्नता का पार नहीं रहता। इसी तरह राजसी तामसी वृत्तियों का झगड़ा होता है। एक मनुष्य शतरंज या ताश खेल रहा है, उधर उसके समय पर न पहुंचने से घर का आवश्यक काम बिगड़ता है। कर्म में प्रवृत्त कराने वाली राजसी वृत्ति कहती है, उठो चलो अर्ज हो रहा है, घर का काम करो। इधर प्रमाद रूपा तामसी वृत्ति पुनः पुनः उसे खेल की ओर खींचती है। वह बेचारा इस दुविधा में पड़कर महान दुखी हो जाता है। उदाहरण के लिए दो दृष्टांत ही पर्याप्त है। इस प्रकार विचार करने से यह स्पष्ट विदित होता है कि संसार के सभी सुख दुख रूप हैं, अतएव इनसे मन हटाने की भरपूर चेष्टा करनी चाहिए। उपयुक्त भय से और विचार से होने वाले दोनों प्रकार के वैराग्यों को प्राप्त करने के यही उपाय है। ये उपाय पूर्वापेक्षा उत्तम श्रेणी के वैराग्य संपादन में भी आवश्यक ही सहायक होते हैं, अवश्य ही सहायक होते हैं। परंतु अगले दोनों वैराग्यों की प्राप्ति में निम्नलिखित साधन विशेष सहायक होते हैं। परमात्मा के नाम जप और उनके स्वरूप का निरंतर स्मरण करते रहने से हृदय का मल ज्यों ज्यों दूर होता है त्यों त्यों उसमें उज्ज्वलता आती है। ऐसे उज्ज्वल और शुद्ध अंतःकरण में वैराग्य की लहरें उठती हैं, जिनसे विषय अनुराग मन से स्वमेव ही हट जाता है। इस अवस्था में विशेष विचार की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे मैले दर्पण को रूई से घिसने पर ज्यों ज्यों उसका मैल दूर होता है, त्यों ही त्यों वह चमकने लगता है और उसमें मुख का प्रतिबिंब
स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। इसी प्रकार परमात्मा के भजन ध्यान रूपी रुई की चालू रगड़ से अंतःकरण रूपी दर्पण का मल दूर होने पर वह चमकने लगता है और उसमें सुख रूप आत्मा का प्रतिबिंब दिखने लगता है। ऐसी स्थिति में जरा सा भी बाकी रहा हुआ विषय मल का दाग साधक के हृदय में सूल सा खटकता है, अतः वह उत्तरोत्तर अधिक उत्साह के साथ उस दाग को मिटाने के लिए भजन ध्यान में तत्पर होकर अंत में उसे सर्वथा मिटा कर ही छोड़ता है। ज्यों ज्यों भजन ध्यान से अंतःकरण रूपी दर्पण की सफाई होती है, त्यों त्यों साधक की आशा और उसका उत्साह बढ़ता रहता है। भजन ध्यान रूपी साधन तत्व न समझने वाले मनुष्य को ही भार रूप प्रतीत होता है। जिसको इसके तत्व का ज्ञान होने लगा है वह तो उत्तरोत्तर आनंद की उपलब्धि करता हुआ पूर्णानंद की प्राप्ति के लिए भजन ध्यान बढ़ाता ही रहता है। उसकी दृष्टि में विषयों में दिखने वाले विषय सुख की कोई सत्ता ही नहीं रह जाती। इससे उसे दृढ़ वैराग्य की बहुत शीघ्र प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने इस दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा ही अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को काटने के लिए कहा है। संसार के चित्र को सर्वथा भुला देना ही इस अश्वत्थ वृक्ष का छेदन करना है। दृढ़ वैराग्य से यह काम सहज ही हो सकता है। भगवान कहते हैं इसके उपरांत इस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए। उस परमात्मा के विज्ञान आनंदगम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा का बारंबार चिंतन करना ही उसे ढूंढना है, जिसमें गए हुए पुरुष फिर वापस संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। उस परम पद के स्वरूप को पकड़ लेना, उसमें स्थित हो जाना ही उसकी शरण होना है। गीता 15वां अध्याय 4वां श्लोक। गीता 15वां अध्याय 5वां श्लोक। नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका, तथा जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिन्होंने, और परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिनकी, तथा अच्छी तरह नष्ट हो गई है कामना जिनकी, ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। वैराग्य का फल। बस इस प्रकार एक परमात्मा का ज्ञान रह जाना ही अटल समाधि या जीवन मुक्त अवस्था है। उसी के ये लक्षण है। तदंतर ऐसे जीवन मुक्त पुरुष भगवान के भक्त संसार में किस प्रकार विचरते हैं, उनकी कैसी स्थिति होती है, इसका विवेचन गीता के अध्याय 12वें के श्लोक 13 से 19वें तक निम्नलिखित रूप में है। भगवान उसके लक्षण बतलाते हुए कहते हैं, इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सर्वभूतों में द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित एवं अहंकार से रहित सुख दुख की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपना अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मुझमें दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझमें अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, एवं जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह मुझे प्रिय है।
जो पुरुष आकांक्षा से रहित बाहर भीतर शुद्ध चतुर है, अर्थात जिसे काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है एवं पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी अर्थात मन वाणी शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मुझे प्रिय है, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझे प्रिय है। जो पुरुष शत्रु मित्र मान अपमान सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और सब संसार में आसक्ति से रहित है, तथा जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है और मननशील है अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है एवं जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट और रहने के स्थान में ममता से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। अतएव इस असार संसार से मन हटाकर इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में वैराग्यवान होकर सबको परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वैराग्य और उपरांता वैराग्य की बात वैराग्यवान पुरुष ही कह सकता है और उसी का कहना सार्थक भी है, क्योंकि वैराग्यवान पुरुषों के साथ वैराग्य मूर्तिमान होकर चलता है। वे जिस मार्ग से जाते हैं उस मार्ग में वैराग्य की बाढ़ आ जाती है। वैराग्यवान पुरुषों के नेत्रों से वैराग्य की लहरें निकल निकल कर चारों ओर फैलती रहती हैं। सभी भाव अपने सजातीय भावों को जागृत करते हैं, यह नियम है। अतः वैराग्य की ये लहरें जिन जिन मनुष्यों के हृदय में प्रवेश करती हैं उन उन मनुष्यों के अंतःकरण में स्थित वैराग्य के भावों को जागृत करती हैं, उन्हें तीव्र करती हैं। वैराग्य के साथ उपरांता एवं ध्यान का अविच्छिन्न संबंध है। आगे आगे वैराग्य रहता है, उसके पीछे उपरांता तथा इन दोनों के पीछे परमात्मा का ध्यान। इस प्रकार वैराग्य उपरांता और ध्यान का पारस्परिक संबंध वैसा ही है जैसा राम सीता एवं लक्ष्मण का पथिक रूप में मिलता है। राम के साथ सीता जी रहती हैं, सीता जी के साथ राम, राम के बिना लक्ष्मण को चैन नहीं और लक्ष्मण के बिना राम को, राम और लक्ष्मण सीता जी को अपने बीच में रखते हैं। ठीक इसी प्रकार जहाँ वैराग्य और ध्यान है वहाँ उपरांता उनके बीच में अवश्य विद्यमान रहती है, अर्थात वैराग्य से उपरांता और उपरांता से परमात्मा का ध्यान स्वतः सिद्ध है। वैराग्यवान पुरुष के दर्शन मात्र से वैराग्य उत्पन्न हो सकता है, फिर उसके इशारे से व्याख्यान से वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। सच्चे वैराग्यवान पुरुष के प्रवचन से वैश्यता को भी वैराग्य हो जाता है। दत्तात्रेय जी के दर्शन से वैश्या को वैराग्य हो गया था। यवन भक्त हरिदास जी की क्रियाओं से उनके विरोधियों द्वारा भेजी हुई अत्यंत पटु वैश्या भी अपनी वैश्यावृत्ति को छोड़ संसार से विरक्त होकर हरि नाम परायण हो गई। जिसको फंसाने गई थी उसके सर्व बंधन से मुक्त कराने वाले जाल में स्वयं फंस गई। सच्चे वैरागियों का यही तो लक्षण है, कामी से कामी पुरुष में भी वैराग्य की ज्वाला उत्पन्न कर देना। श्री पातंजलि योग दर्शन में आया है, वीतराग विषयम वा चित्तम। वीतराग पुरुष को विषय करने वाला, स्मरण करने वाला चित्त समाधिस्थ हो जाता है, अर्थात जो वीतराग पुरुष हैं उनका ध्यान करने से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है।
अतः चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए श्री सुखदेव जी जैसे वीतराग पुरुषों का ध्यान करना चाहिए। श्री सुखदेव जी की उपरांता, उनके वैराग्य आदि के विषय में क्या कहा जाए। एक बार वे किसी सरोवर के पास से होकर निकले। सरोवर में बहुत सी स्त्रियां विवस्त्र होकर स्नान कर रही थीं। कुछ ही क्षण बाद उसी मार्ग से श्री वेद व्यास जी निकले। उन्हें देखते ही सब स्त्रियां सपचा गईं और जल से बाहर निकलकर जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहन अति विनीत भाव से प्रार्थना करने लगीं। वेद व्यास जी आश्चर्य में डूब गए कि मेरा युवक पुत्र सुखदेव अभी अभी यहाँ से निकला है। उसको देखकर तो इन स्त्रियों ने कुछ भी लज्जा ना की, किंतु मुझ वृद्ध को देखकर इन्होंने झट से लज्जा के कारण कपड़े पहन लिए। इसका क्या रहस्य है? उन्होंने उन स्त्रियों से ही इसका कारण पूछा। स्त्रियों ने उत्तर दिया, स्वामिन, सुखदेव जी के मन में यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह वृक्ष है, यह पशु है, यह पक्षी है, ऐसा भेदभाव नहीं है। उनको कुछ पता ही नहीं कि ये स्त्रियां हैं या वृक्ष, परंतु आपके मन में अभी तक यह भेद विद्यमान है। इसी से हम लोगों ने सकुचा कर कपड़े पहन लिए। इससे सुखदेव जी की उपरांता का पता लगता है। ओम शांति शांति शांति।